नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हरदीप सिंह पुरी की तरफ से निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, इवन काफ़ी सारी न्यूज़ भी आई हैं कि यहाँ पर जो इंडिया है वो एयर इंडिया को बेच रहा है, साथ ही एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज़ कर रहा है, तो ये नुकसान भरा है। इस पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है इनको प्राइवेटाइज़ करना, एयरपोर्ट्स को और एयर इंडिया को, और आने वाले समय में एयर इंडिया को भी बेच दिया जाएगा, यानी प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा टाटा ग्रुप को, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं। वहीं अगली खबर बेंगलोर एयरपोर्ट से निकल कर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि बेंगलोर एयरपोर्ट पर कार्गो के संचालन के लिए कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, जो कि 4 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बनाई जा रही थी। आपको बता दें, इस काम को लगभग पूरा कर लिया गया है और बहुत ही जल्द यहां से जो कार्गो के ऑपरेशन है वो संचालित किए जाएंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा जो कार्गो का संचालन है वो स्मूथली हो पाएगा बेंगलोर एयरपोर्ट से। वहीं अगली खबर दिल्ली एयरपोर्ट से निकल कर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब करीब 73% जो पैसेंजर का ट्रैफिक है वो कम होते देखा गया है। आपको बता दें, फाइनेंशियल ईयर में जब रिपोर्ट बनाई जा रही है तब जाकर ये बात सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो पैसेंजर का ट्रैफिक है वो करीब करीब 73% डिक्लाइन हुआ है। इसकी वजह से एयरपोर्ट को ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जिससे चीज़ें और भी महंगी होंगी और जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप भी वंदे भारत मिशन से यात्रा करना चाहते हैं, आप भी कहीं फंसे हुए हैं और कहीं के लिए यात्रा करना चाहते हैं, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेधड़क यहां पर जितनी भी एयरलाइंस हैं उनके एग्जीक्यूटिव को कॉल कर पूछ सकते हैं। इस वक्त काफ़ी चीज़ें आसान हो चुकी हैं, जैसे अगर आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस से यात्रा करनी है तो आप उनके ऑफिसेज में बुक करके, मतलब ऑफिसेज में फ़ोन करके बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाना ना भूलें, काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। तो चीज़ें अभी भी आसान है, आपको केवल थोड़ा सा फ़ोन उठाना है अपना और कॉल लगाना है। उसके बाद जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी वीज़ा रिलेटेड डाउट है या कुछ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप उनसे डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इस वक्त काफ़ी सारे लोग इस तरीका अपना रहे हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ एयरलाइन से डायरेक्ट हो पा रही है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि आपको अपनी टिकट की बुकिंग कैसे करनी है और आपको कहाँ के लिए फ़्लाइट मिलेगी, कहाँ के लिए नहीं मिलेगी, तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर वंदे भारत मिशन का फेज 6 भी चलाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो उड़ाने हैं वो एयर बबल के थ्रू भी चलाई जा रही हैं। तो आप जो बुकिंग है वो airindia.in से कर सकते हो, साथ ही उनके ऑफिसेज में विजिट कर भी बुकिंग कर सकते हो, साथ ही आप जो ऑथराइज ट्रेवल एजेंट्स हैं उनसे भी कर सकते हो, साथ ही आप कस्टमर केयर्स में फ़ोन करके, एयरलाइन के कस्टमर केयर को फ़ोन करके भी बुकिंग कर सकते हो। तो बुकिंग करने की प्रोसेस आपको जाननी है तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, केवल आपको फ़ोन लगाना है और बुकिंग करनी है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। वहीं अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, अगर आप तेलंगाना हैदराबाद के लिए यात्रा करने वाले हो तो यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी। आपको बता दें कि इंटरनेशनल फ्लाइट और डोमेस्टिक पैसेंजर्स, इन दोनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर क्वारंटीन के रूल्स में बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर बिजनेस ट्रेवलर्स को, जिनके पास PCR का नेगेटिव टेस्ट है, उनको यहाँ पर जो है क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे थे और उनके पास रिटर्न टिकट है, तो उनको यहाँ पर क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा अगर वो हैदराबाद एयरपोर्ट पर अराइव होते हैं, या तो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।